ये है मच्छर मारने का रैकेट या मच्छर मारने का बल्ला। ये इसके अंदर एक बैटरी है, ये इसका चार्जिंग का तार है और ये सारा ही मिला के 150 रुपये में आया हुआ है। हमारे एक मित्र हैं और बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत बढ़िया मित्र हैं, मूल निवासी हैं, ओबीसी हैं। उनका फोन आया, कहने लगे चीन के सामान की होली जलानी है, कुछ चीनी सामान आप दीजिए। तो मैंने कहा चीन के सामान की होली जलानी है, चीनी सामान दीजिए, मैं कुछ समझा नहीं। कह रहे नहीं, आजकल क्या बोलते हैं, यही लेटेस्ट ट्रेंड है और अभी तो सब इसी में लगे हुए हैं कि चीनी सामान की होली जलनी शुरू हो गई है। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई चीनी सामान है नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी सामान को खरीद के लाया हूँ और मैंने ये कहा हो कि भाई मुझे चीनी सामान दे दो, या उस पर लिखा हो मेड इन चाइना, या वो चाइना का लिखा हो प्रोडक्ट हो। तो यहाँ तो जो भी सामान लाते हैं ऐसे ले आते हैं। कह रहे आपके पास में वो मच्छर मारने का रैकेट तो होगा? मैं कहा वो तो है, हम मच्छर मारते हैं। कह रहे वो चीन का ही बना हुआ है। मैंने बहुत अच्छी बात है, 150 रुपये में मिलता है, चार्जेबल बैटरी भी है, चार्जिंग का सामान भी है, लाइट भी जलती है उसमें, ऑन ऑफ भी होता है, मच्छर भी अच्छे मारता है और चल जाए तो चीन तक, और ना चले तो कोई बात नहीं, 150 रुपये में कोई दिक्कत भी नहीं है। कह रहे बस वही दे दो आप हमें, हम उसी को जलाएंगे आपकी तरफ से। तो मैंने कहा भाई आप चीन का सामान जला रहे हो तो चीन का जलाओ, मेरा क्यों जला रहे हो? तो कहने लगे बस समझा नहीं बात को। मैंने कहा भाई आपने कहा था ना अभी कि चीन का सामान जलाना है, आपने चीन का सामान जलाने की बात कही है तो आप चीन का सामान जलाओ, ये रैकेट चीन का नहीं है। कहने लगे कैसी अजीब बात कर रहे हो, बड़े मूर्ख हो। अरे भाई ये चाइना में बना हुआ है, चीन में बना हुआ है, ये चीन का है। मैंने कहा सरकार ये चीन का नहीं है, ये चीन ने मुझे गिफ्ट नहीं किया है, चीन ने मेरे नाम से कुरियर नहीं किया है, चीन ने मुझे भेजा नहीं है। मैं तो लाला की दुकान पर गया था, वहां जाके रैकेट मैंने उससे मांगा, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया यही रैकेट था। उसने कहा जी यही ले जाओ, और वहां बड़े ढेर सारे थे तो मैं एक वहां से एक ले आया। तो ये तो लाला का रैकेट है, चीन का थोड़ी है। कह रहे आप समझे नहीं बात को, ये चीन ने बनाए हैं, चीन का है। मैंने कहा भाई आप बात को नहीं समझे, ये चीन ने मुझे भेजा नहीं है, मैंने इसका 150 रुपया दिया है, अब ये मेरा है। मैंने 150 रुपया दिया तो मेरा हो गया, चीन का कैसे हो गया? चीन अगर किसी कोर्ट में चला जाए, दावा करे, कहीं केस लड़े कि ये रैकेट उसका है, तब भी सारी दुनिया यही कहेगी कैसा पागल चीन है। अरे ये रैकेट तो अब इस व्यक्ति का है जो इसका मालिक है, जिसका इसने मूल्य चुका दिया। आप चीन का रैकेट जलाना चाहते हो तो चीन में जाके जलाओ भाई, यहां कैसे जला लोगे मेरा रैकेट? तो कह रहे आप बात को समझ रहे हैं, बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, हमें चीनी सामान की होली जलानी है और हमें चीन को बताना है कि देखो हमने तुम्हारी होली जलाई, हमने तुम्हारा बहिष्कार किया। मैंने कहा मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ रहा हूं। वो चीन ये कहेगा कि भाई मैंने तो माल बेच के पैसा बना लिया, ये कैसे मूर्ख लोग हैं भाई, ये मेरा माल थोड़ी जला रहे हैं, ये तो अपना जला रहे हैं। भाई चीन ने कभी आपसे ये कहा कि मैं आप मेरा सामान खरीदो? कभी चीन पैरों में पड़ा आपके? कभी किसी दुकानदार के पैरों में पड़ा? कभी किसी लाला के पैर में पड़ा? कभी किसी इंपोर्ट जो करते हैं इंपोर्टर के पैर में पड़ा? कभी खुशामत की उसने, या मैंने उसकी खुशामत की कि भाई तू चीन का सामान है मेरे को दे 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 दे, या चीन आया हो या चीन ने कहा हो? भाई ये तो जहाँ के लोग वहां जाते हैं, वहां जाके रहते हैं, खुशामत करते हैं, अपने ऑर्डर से सामान बनवाते हैं, 25 बार रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उनका सामान शिपमेंट आता है और वो भी बड़े नखरे से बेचता है जैसा मुझे पता चला है, कोई खुशी से नहीं बेचता वो। तो चीन वालों की तो खुशामत करके सामान आया हुआ है, चीन को क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? मेरा बल्ला जल जाएगा, मेरा 150 रुपये का नुकसान हो जाएगा, इससे चीन को क्या फायदा होने वाला है? इससे क्या लेना देना पड़ेगा चीन को? चीन का तो 150 रुपये चला गया, जो पैसा मैंने लाला को दिया, लाला ने इंपोर्टर को दिया, इंपोर्टर ने चीन को दे दिया, चीन में चला गया पैसा, तो बल्ला मेरा है, जला मेरा। वो तो और हंसेगा, वो तो और तारीफ करेगा, कहेगा देखो कैसे मूर्ख लोग हैं और सामान जला रहे हैं, और फिर मुझे बल्ले की आवश्यकता भी है, इस बल्ले को मुझे देगा कौन? रात को मच्छर काटेंगे, मैं किसके पास जाऊंगा? 150 रुपये में मुझे तो कोई ऐसा बल्ला ऐसा रैकेट देने वाला अभी तक मिला नहीं जो दे दे। और जो दुनिया की सुपर पावर है, जो अमरीका है, अभी तक तो उसने भी बहिष्कार नहीं किया, कितनी गाली बकता है मगर माल खरीदना बंद नहीं किया उसका, सारी दुनिया माल खरीद रही है, तो चीन को क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? आप मेरा बल्ला जला दोगे, मेरा 150 रुपये का नुकसान हो जाएगा। हाँ आपको चाहिए बल्ला, आप ले जाओ, आप पे 100 बल्ले न्योछावर है मेरे, आप मेरे भाई हो, आप मेरे मित्र हो, मगर जलाने के लिए तो नहीं दूंगा, क्योंकि चीन ये जो बल्ला है चीन का नहीं जलेगा, ये तो मेरा जलेगा।
ये तब चीन का जलेगा जब चीन को इसका मूल्य ना दिया जाए और चीन से आ जाए और चीन का हम उसको जलाएं और इसका नुकसान चीन को हो। अभी तो जितने भी लोगों ने सामान खरीदा है वो सब पैसे दे के आए हैं, तो भाई पैसे कौन देगा इसके, 150 रुपये कौन देगा? 150 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर नियम है कि आप मेरा बल्ला जलाओगे तो मेरा जला रहे हो, नुकसान मेरा कर रहे हो, उसको किसी से क्या फ़ायदा होने वाला है, नुकसान मेरा होगा, खून पसीनी कमाई से लोगों ने सामान लिए हैं, उसको जला के क्या मिलने वाला है? और फिर यहाँ तो अरबों खरबों का सामान दुनिया का करोड़ गोदाम में भरा पड़ा है, यहाँ तो दिल्ली के अंदर खास देखो आप, इतने होलसेल की मार्केट है, इतने बड़े बड़े गोदाम है कि आप देख कर ताज्जुब रह जाओगे, उनमें सब चीनी माल ही भरा हुआ है। वो सारे लोग जाते हैं, चीन की खुशामद करते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवांस में पैसे भेजते हैं, तब चीन सामान भेजता है और वो भी धकिया के भेजता है। कभी चीन किसी की खुशामद करने नहीं आया कि आप मेरा सामान खरीदो, पैसा मैं मर जाऊंगा भूखा, या मेरा खरीदो। आप कहते हो कि उसका ऐप डाउनलोड जो किया है उसको हटा दो, भाई मुझे तो ये नहीं पता चलता कि कौन सा ऐप इंडियन है और कौन सा विदेशी है। आप कहते हो ये वाला ऐप हटा के ये वाला कर दो, तो सारे ही ऐप विदेशी हैं, देसी ऐप नहीं बनते तो क्या करें, देसी ऐप बने तो हम विदेशी अपने आप ही हो जाए, तो किसका ऐप हटाए किसका ना हटाए? आप कह रहे हो एक चीन का हटा के दूसरे का लगा लो, और वो भी कल को अगर आपका उससे भी झगड़ा हो गया तो फिर आप उसका ऐप हटवाओगे, तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। तो भाई मैं बल्ला वल्ला तो आपको दूंगा नहीं, हाँ आपको बल्ला वैसा ले जाना है मच्छर मारने के लिए तो आप ले जाओ, क्योंकि चीन के अगर ये सारे बल्ले जल गए तो 150 रुपये में बल्ला आएगा कैसे? मेरी तो टेंशन ही है, मेरी तो परेशानी है, तो कम से कम पहले यहाँ बल्ले बनाने आरम्भ कर दो, ये मच्छर मारने के 150 रुपये में बनाने शुरू कर दो। 150 में नहीं बनाते हो, इंडियन ही बनाते हो तो 200 दे देंगे, 250 दे देंगे इंडियन के नाम पे, 300 भी दे देंगे, 400 भी दे देंगे। अरे भाई बनाओ तो सही, जब बल्ले यहाँ बनने शुरू हो जाएंगे तो हम अपने आप ही फूंक देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी है, फिर चीन को हम अपने आप बता देंगे देखो तुम्हारा बल्ला तुम्हारे मुंह पे हमने मार दिया, अब अपने मच्छर तुम खुद मारो, तब तक के लिए हमें माफ कर दो क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.